अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है हमेशा की तरह मज़े मज़े की रेसिपीज और आप लोगों की पसंदीदा रेसिपीज जो है बन रही होती हैं, और आप लोगों की पसंद का बहुत शुक्रिया। और साथ में अगर आपसे कोई रेसिपी मिस हो रही है तो आप बहुत ही हमारे लिए अच्छा एक इकदाम किया है GTV ने, और GTV फूड के नाम से हमारा एक YouTube चैनल है जहाँ पर तमाम रेसिपीज़ और तमाम रेमेडीज़ मौजूद हैं, वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं रस मलाई। बेतहाशा फरमाइश थी कि रस मलाई जो है वो लाइव आप लोगों के लिए बनाएं, तो इंशाल्लाह रस मलाई जो है वो तैयार कर रहे हैं, और साथ में हम आलमंड राइस जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ आज की इन्फॉर्मेशन एक कहवा जो बेतहाशा मसले मसाइल का हल है, और अगर आपने इसको पीना शुरू किया एनर्जी भी मिलेगी, आपको सेहत भी मिलेगी, साथ में बहुत सारी बीमारियां जो है ना इससे आप दूर कर सकते हैं। एक कहवे से आप बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं अपनी, और रेगुलर इस्तेमाल करें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो प्रोग्राम के एंड में वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बग़ैर। अच्छा, रसमलाई बनाने के लिए जो चीज़ें हैं उसकी जो नाप है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाप अगर सही ना हो तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी लेनी है आपके सामने ही डालूंगा और इसको आपके सामने ही तैयार करूंगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि दूध को गर्म करने के लिए रख देते हैं, और एक लीटर हमने लिया दूध, नॉर्मल जो दूध होता है, ठीक है। और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और हमेशा जब भी कोई मीठी चीज़ बनाए तो कढ़ाई या बर्तन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने एक दफ़ा गर्म करके पानी धो लेना है, ताकि नमकीन जो उसके असरात हैं ना उसमें से ख़त्म हो जाए महक और बाकी चीज़ें, वरना अच्छा खासी आपकी रेसिपी जो है ख़राब हो सकती है। इसलिए हम लहसुन ऑयल बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं एक ही बर्तन में, तो उसमें आपने गर्म पानी पहले करना है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, बॉयल कर लेना है। पानी डाला, बॉयल किया, उससे धोया, और उसके बाद फिर कोई मीठी चीज़ उसमें बनाएं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी रेसिपी जो है सही रहेगी। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एक लीटर दूध के अंदर एक कप चीनी, ठीक है। और इसके साथ टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए इसमें मैं शामिल करूँगा एक चाय का चम्मच इलायची का पाउडर बारीक, और 250 ग्राम खोया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठे डाल दी इसमें, और ये इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया मिक्स, और ये सारी चीज़ें आपस में इसमें हल हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़, और वो है केवड़ा एसेंस चंद कतरे। चलिए, केवड़ा एसेंस चंद कतरे डाल दिया। अब यहाँ पर मेरे पास है दूध पाउडर का। पाउडर का दूध कौन सा वाला हमें चाहिए? हमें या तो ब्लू थैली वाला पाउडर का दूध चाहिए, या येलो कलर की जो थैली होती है, नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, और जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वही वाला दूध जो चाय में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ब्लू कलर का डब्बा होता है, लाइट ब्लू कलर का थैली होती है, और इसके साथ एक येलो कलर की थैली होती है। मैं रिकमेंड करूँगा ये ब्लू वाली जो थैली है ना वो ज़्यादा मुझे सूट करती है, मुझे पसंद है, तो आप वो ब्लू वाली थैली वाला जो पाउडर का दूध है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फुल क्रीम मिल्क, इसको फुल क्रीम मिल्क भी कहा जाता है। तो ये हमने पाउडर वाला दूध कितना लिया है, 400 ग्राम, और अगर कप से नापें तो ये 2.5 कप होगा, ठीक है, 2.5 कप चाय के कप से। और वैसे अगर आपके पास वज़न करने वाली कोई मशीन है तो आप 400 ग्राम जो है ना पाउडर का दूध लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, मैं इसमें डालूँगा बिल्कुल बारीक पाउडर हुआ हुआ इलायची का पाउडर एक चाय का चम्मच, फ्लैट भर के नहीं डालना है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, ये भी हमने डालना है फ्लैट करके, ये देखें इस तरह से, ठीक है, कैमरे के सामने एक, और इसी तरह से आपने इसको फ्लैट करके दो, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। और इसके अंदर जाएगा चंद कतरे केवड़ा एसेंस की, ठीक है। और इसके साथ मैदा, मैदा छना हुआ होना चाहिए, ठीक है,
और चार खाने के चम्मच भर के, ठीक है, कुछ फ्लैट जा रहा है कुछ भर कर जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह से एक दो तीन चार, ठीक है जी, चार खाने के चम्मच हमने इसमें मैदा डाल दिया और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया और इसके बाद आपने यहाँ पर तीन से चार अंडे ले लिए मैंने, ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है, ये सारा इकट्ठे नहीं डालना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और जब आप देख लें कि हाँ ये इतना सही है तो रोक दें, ठीक है, तीन से चार अंडे फेंट कर रख लें और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं। इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है तो प्लीज़ जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत इत्मीनान से आपने इसको बनाना है, ठीक है। चलें अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें अंडा डाला और इसको मिक्स किया और इसके साथ एक चीज़ और है, वो है घी, ठीक है, ऑयल नहीं घी, याद रखिएगा। ये आपने दो खाने के चम्मच घी ऐड करना है इसमें, इसमें दो खाने के चम्मच, एक और ये दो, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने मैंने डाली, कोई चीज़ इसमें जो है ना अलग से मैंने जो है ना बग़ैर बताए नहीं डाली है, ठीक है, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा जब आप बना रहे हो। थोड़ा सा अंडा डाला, उसके बाद आपने फिर थोड़ा सा अंडा इसमें ऐड किया, चार से पांच अंडे भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर छोटे साइज़ के हों, ठीक है, तो बस ये ना ज़्यादा नरम होना चाहिए ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ठीक है, ये आपने याद रखना। तो मैंने सारे अंडा इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी, और मेरे ख्याल से एक और अंडा इसमें जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें पकड़ अच्छी बन गई है लेकिन इसको अगर मैंने इतना ज़्यादा हार्ड बनाया इसका गोला तो फिर जो रसमलाई है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, ठीक है। चल इसमें से एक हम अंडा और ले लेते हैं और इसे निकाला आपने और इसको आपने फेंट लिया, ठीक है जी, और इसको ऐड कर दिया इसमें, ठीक है जी। यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, ठीक है जी, इसको बिल्कुल आंच को हल्की कर देना है आपने और इसके बाद इसको कर देना है मिक्स, ठीक है, ताकि चीनी खोया और इलायची का पाउडर और केवड़ा एसेंस ये हमने इसमें डाला हुआ है तो इसको मैं बिल्कुल स्लो कर दिया मैंने और अब मैं इसे अच्छी तरह से गुन लूँगा और अब आप देख सकते हैं कि ये दो पकड़ में आ रही है। अच्छा थोड़ा सा मैसी मैसी सा काम है लेकिन ये क्या करते जाएंगे तो फिर चिपक इसमें ज़्यादा होती है, स्टिकी सा हो जाता है ये, तो बस इसका ख्याल रखना है आपने। अब आपने इसमें ये बन गया, ठीक है, और अब आपने अपने हाथ में से जो लगा हुआ है उसको निकाल दिया और हाथ को अपने वॉश कर लिया और हाथ को वॉश करने के बाद ड्राई कर लेंगे आप, ठीक है, बिल्कुल खुश कर लेंगे। इसके बाद फिर मैंने इसमें इसके पेड़े बनाने और पेड़े इकट्ठे बनाने और इकट्ठे बनाने के बाद फिर हमने इसको दूध में ऐड कर देना है, ठीक है जी।
और बहुत आसान काम है, और लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया तो, वरना मुश्किल भी हो सकती है आपको अगर आपने इसको समझा नहीं तो। इसलिए कि ज़ाहिर बात है इतने सारे पैसे आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसका सही बनना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपने हाथ को अच्छी तरह से खुश कर लिया, इसके बाद आप लेंगे एक प्लेट, ठीक है जी, पेड़े सारे इकट्ठे बनाकर डालेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि हाथ में लेना है थोड़ा सा घी, ताकि ये स्टिकी से ना रहे, और थोड़ा घी आपने जिस प्लेट में आप इसको निकालेंगे पेड़ों को, उस पर भी हल्का सा घी लगा लेना है। अब चलते हैं पेड़ों की तरफ। ये देखें, इस तरह से आपने वो गोल किया और बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ करें गोल, कहीं से कोई दड़ार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाना चाहिए। इसके बाद हल्का सा दबाएंगे ऐसे, ये साइज आप देख लें कि कम से कम ये 3 गुना, यानी कि फूलने के बाद ये तकरीबन 3 गुना इतने बड़े साइज का हो जाना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये आपका सही, जिसको कहते हैं रस मलाई, जो है वो तैयार होगी। ठंडा करके चिल्ड करके इसे इस्तेमाल करें, ठीक है जी। पहले आपने इसको पुश करना है, इसमें से एयर जो है वो निकाल लेनी है और गोल करना है अच्छा सा स्मूथ सा, फिर इसके बाद इसकी इस तरह से पेड़े बनाने, ठीक है जी। अच्छी तरह से पुश किया, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कोई भी चीज़ इसमें से मिस नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने, और इसको डालने का तरीका कार भी बहुत ही अच्छा सा होना चाहिए। कैसे दूध में डालेंगे ये भी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से पुश करें, पुश करें, पुश करें, इसमें से एयर निकल जानी चाहिए, फिर स्मूथ सा राउंड गोला बना लें, फिर इसको ऐसे करके चिपटा लें, ठीक है जी। ये देखें, ऐसे करके साइज़ का बस ख्याल रखें कि आपके हाथ में थोड़ी देर बाद आपको साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो आ जाते हैं, चलें और भी बनाने हैं, लेकिन ब्रेक ना आ जाए तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये एक साइड से डालना शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे राउंड में, ठीक है, और ये खुद ब खुद फूल कर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ऐसे करके मैं राउंड में डाल रहा हूँ, फिर बीच में डालूंगा, इस तरह से एक दूसरे के बीच में जगह जगह सी रहनी चाहिए, ठीक है। और इसको धीमी आंच पे पकना है, और इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई चमचा वगैरह नहीं चलाना, ये खुद ब खुद जैसे पेड़ा बड़ा होगा, हल्का होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, वापस आते हैं, बनाते हैं आलमंड राइस, और रसमलाई भी आपके सामने बन रही होगी, तो उसको आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से तैयार हो रहा है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, चटखारेदार और बहुत ही आला किस्म की रेसिपी जो मैंने आपको वादा किया था कि आपके सामने बनाऊंगा लाइव, ताकि ये आप समझ सकें और अपने घर पर तैयार कर सकें। बिल्कुल धीमी आंच, ठीक है, और ये भी हम कैमरे में आपको दिखा देते हैं कि धीमी आंच का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूध में पहले हमने चीनी मिलाया,
साथ में खोया डाला, चंद कतरे हमने इसमें केवड़ा एसेंस डाला, एक चाय का चम्मच हमने इसमें इलायची का पाउडर डाला और उसको मिक्स कर लिया। इसके बाद पाउडर का दूध, उसमें जो चीज़ें थी वो मैंने डालकर इसको बनाया। और मैंने आपसे कहा था कि ये पेड़ा कम से कम 3 गुना फूलकर तैयार होगा, कोई चमचा वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ कि इसका साइज़ इस वक्त कितना हो चुका है। धीमी आँच पे पकाना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर आ चुका है पेड़े सारे, और बहुत ही अच्छी सी मीठी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है, और ये आहिस्ते आहिस्ते पकता रहेगा और इसी तरह से इसके अंदर सारा जो दूध है वो चला जाएगा, और ये जो पेड़ा हमने इतना सा बनाया था वो 3 गुना कम से कम हो जाएगा। ये तकरीबन 2.5 गुना तो हो चुका है, बाकी थोड़ी देर बाद ये 3 गुना हो जाएगा। तो बस इसको हमने इस तरह से तैयार करना है, इसको निकालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा पिस्ता बादाम डालेंगे और इसको सर्व कर देंगे, ठीक है। जितना चिल्ड करके इसको खाएंगे, रसमलाई का खाने का मज़ा ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड जो है ना, वो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में कर लें, उसके बाद फ्रिज में रख लें और मेहमान आए उनके साथ सर्व करें। आजकल मिठाई वैसे ही भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो अब आप सीख लें ताकि हमारे शो में मिर्च मसाले में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। चलते हैं आलमंड राइस और प्लस कस्तूरी कबाब, ठीक है, दोनों चीज़ें बन रही हैं, बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लेना है आलमंड राइस के लिए आलमंड एंड चिकन राइस, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल ले लिया आपने, ठीक है, 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसमें आपने डाल दिया प्याज। सिंपल है, बहुत अच्छा है, लेकिन मज़ेदार राइस बनते हैं, किसी भी डिश के साथ इसको आप तैयार कर सकते हैं। प्याज हमने ले ली एक बड़ी, ये हो रही है फ्राई, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जब तक ये फ्राई हो रही है, मैं कस्तूरी कबाब की तरफ जा रहा हूँ। कस्तूरी कबाब बनाने के लिए हमें अगर आधा किलो ले रहे हैं तो आधा किलो बीफ का कीमा बारीक चॉपर में पेस्ट बना हुआ, ठीक है, और आधा किलो जो है चिकन का कीमा, ठीक है। ये दो मीट इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगा हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और पिपरी आधा चम्मच, ठीक है, और पिपरी पाउडर यानी कि काली मिर्च जो होती है उसी तरह का एक लंबा सा वो होता है, उसको हम फलाफिल भी कहते हैं, उसको हम पिपरी भी कहते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में उसको लॉन्ग ब्लैक पेपर कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा होता है ये सेहत के लिए भी। और ये हमने डाल दिया आधा चम्मच, और 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे इलायची का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर आधा चम्मच, ठीक है, और इसके साथ जो है थोड़ा सा हरा अपना धनिया पाउडर, और ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। और अब मैं डालूँगा इसमें नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच। इसको फुलाने के लिए हम कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, बेकिंग सोडा, ठीक है, ये हम डाल रहे हैं आधा चम्मच, ठीक है। इससे जो है ना कबाब सॉफ्ट रहते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच, ठीक है। प्याज, प्याज जो है ये देख लें, इसको हमने एक बड़ी प्याज चॉपर में डाल के चॉप कर ली, और उसके बाद इसको हमने इसका पानी भी निकाल लिया, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो रहा है ये, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और इसके साथ हरी मिर्चें 2 से 4 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, ठीक है जी, ये हमने इसमें डाला और इसको करेंगे मिक्स। और इस अमेजे को सॉफ्ट रखने के लिए हमने इसमें शामिल करना है घी, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास प्याज आधी ब्राउन हुई है, तो इसमें हमने डालना है बहुत सारा लहसुन चॉप, वो भी 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पर हमने लिया घी, ये हम डालेंगे इसमें 3 खाने के चम्मच, ठीक है जी, ताकि ये स्मूथ हो जाए, और इसको हमने करना है मिक्स। चिकन एंड आलमंड राइस के लिए, ठीक है, इसको करना मिक्स अच्छी तरह से, हाथ नहीं छोड़ना,
अक्सर लोग मिक्स करते वक्त जल्दबाजी में चीज़ों को सही तरीके से मिक्स नहीं करते हैं, तो मसाला कहीं आ रहा होता है कहीं नहीं आ रहा होता। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हो गया मिक्स कस्तूरी कबाब। अब यहाँ पर हम लेंगे, इसको आप बनाकर फ्राई भी कर सकते हैं और इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्याज लहसुन हो गया फ्राई। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1/2 kg चिकन बोनलेस। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया मिक्स और जब तक ये बन रहा है, ठीक है, हम चले जाते हैं कबाब की तरफ। कबाब बनाने के लिए आपने गोले बनाना है, पहले राउंड करना है, और जैसे काफ्ता कबाब बनाते हैं हमने वैसे ही बनाना है। ठीक है जी, काफ्ता कबाब की तरह। और अगर आप चाहें तो इसको इसमें बीच में जो चॉपस्टिक होती है या कोई स्टिक से इसमें सुराख भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने लिया, राउंड किया, इसके बाद ऐसे रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह जरूर छोड़ दें ताकि जब ये बेक हो तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, बेक हो जाए और एक साइज डिसाइड कर लें, उसी साइज पर आप इसको बनाते जाएं। एयर जरूर निकाल लें, राउंड करें, इसके बाद तरह से काफी सारे बन जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपके मेहमान आए तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त आपके काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, आलमंड एंड चिकन जो राइस है उसके लिए हमने प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद हमने इसमें खूब सारा 2 खाने के चम्मच के करीब लहसुन चॉप डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन। ठीक है जी, ये देख चिकन आ गया, चिकन पक रहा है, आधा कच्चा पक्का हो जाए। इसके बाद हमने सिर्फ मिर्चें, जो मसाले डालने हैं बहुत सिंपल से हैं, सिर्फ काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन का पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है जी, और यह है नींबू का रस, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। ठीक है, 2 खाने के चम्मच ये हमने डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स। बस यही डलेगा, इसमें लहसुन की खुशबू आएगी और ये जो मसाले हमने डाले हैं बस इसकी खुशबू आएगी। और उसके बाद राइस को हमने बॉईल करके रखा हुआ है 1 कनी, या सख बॉईल करके रखें उसको, हमने बॉईल करके रखा हुआ है। इसको हमने मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी का छींटा मारकर उसको दम पर लगा देना। जब दम पूरा हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें बादाम जो है वो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल में, ये देख लें, छिलका उतार कर इसको हल्का सा ऑयल में रोस्ट कर दिया और उसके बाद ये हमने इसके अंदर डाल देना है। तो चिकन आलमंड राइस जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, चिकन पूरी तरह से पक जाए उसके बाद हमने इसमें राइस शामिल कर देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना चिकन सख्त हो जाती है अक्सर, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि राइस में डलने के बाद भी दम लगेगा तो फिर उसको कैलकुलेट भी कर लिया करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर ज़बरदस्त से कस्तूरी कबाब। ठीक है जी, इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हमने ट्रे पर लगाया हुआ ताकि जब ये बेक हो तो चिपके नहीं इसमें। और मैंने आपको बता भी दिया है कि इसको आप सीखों पर लगाकर भी सेक सकते हैं। ठीक है, और इसे आप जो है ना
उस पर क्या नाम है चूल्हे पर पैन में फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए ये बन रहा है साथ में, अब जो चिकन की खुशबू अच्छी सी आने लगी है अब मैं इसमें डाल रहा हूँ राइस जी। ये आ गया राइस सारे, और अब आपने करना है इसको मिक्स। ठीक है, इसको मिक्स करके इसमें हम पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएंगे और इसे दम पे लगा देंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, थोड़ा सा ब्रेक फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है रस मलाई, और मुझे लगता है कि तमाम स्टेप्स मैंने आपको बता दिए और कैसे बनना है क्या करना है इसमें क्या, बस आखिर में मैंने इसके ऊपर बादाम पिस्ता थोड़ा से गार्निशिंग कर दी है। और ये ठंडा चिल्ड जितना करके खाएंगे उतना ही मज़ा आएगा। इसके साथ मैंने चिकन एंड आलमंड राइस जो है ना वो हमने तैयार किया, बहुत ही टेस्टी होता है ये और सादा बिल्कुल सिंपल। और इसे आप ऐसे भी खाएं जब आपको बे टाइम की भूख हो ना उस वक्त, दोपहर के खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है जी, और इसके साथ कस्तूरी कबाब जो है ना, दो किस्म के मीट को इस्तेमाल करके हमने कस्तूरी कबाब बनाया, तो उम्मीद है कि तीनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और इंशाल्लाह आप घर पर अपने तैयार करें और इन्जॉय करें। हरी चटनी और केचप वगैरह के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। चलते हैं, एक ऐसा ड्रिंक जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जिसके अंदर लौंग जो है ना इसको सुपर फूड कहा जाता है। अगर खाने की पीने की चीज़ों में अगर मुआजना किया जाए तो इससे बड़ी ताकतवर चीज़ कोई नहीं हो सकती, बेतहाशा काम आने वाली चीज़ है। जिन लोगों को रात को खांसी बहुत ज़्यादा होती है, सीना हमेशा जकड़ा रहता है, परेशान रहते हैं, नींद सही नहीं आ रही होती है, तो उनको चाहिए कि ये कहवा ज़रूर बना के पिए। और जिन लोगों को रात को तेज़ाबियत होती है, मैदा ख़राब रहता है, ऊपर जो है ना सीने पर आपको जो है ना तेज़ाबियत आती है, गैसेस चढ़ रही होती हैं, इस टाइप से उससे नींद बेचैनी होती है इससे, और इसके साथ आसाबी कमज़ोरी। आसाबी कमज़ोरी एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर आजकल लोगों को हो रही है। ठीक है, तो उससे आप बचने के लिए, हर तरह की वीकनेस के लिए जो है ना ये कहवा बस आउट क्लास है। इम्यून को बढ़ाएगा आपके सिस्टम को और आपके अंदरूनी निज़ाम को बेहतर करेगा, ताकि आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का, सुबह आपकी सुबह जो है ना वो अच्छी हो, जिस्म का दर्द वगैरह भी दूर हो जाए। आपने एक कप गर्म पानी लेना है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना, या फिर आप इसको क्या करें कि ये चीज़ें डालकर इसको बॉयल्ड कर लें। ठीक है, इसमें दो तीन टुकड़े हमने दालचीनी के डालने हैं, दो से तीन लौंग डालने हैं इसमें, और छोटी इलायची दो से तीन डालनी है। अब इसको क्या करना है कि आपने बॉयल्ड कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह बॉयल करके जब इसका अर्क निकल जाए इसको छान लें, याद रखिएगा छान लें। उसके बाद आपने तीसरी चौथी चीज़ डालनी है। जब ये छान लिया आपने, समझ लें इसको छान के आपने बाकी चीज़ें ज़ाया कर दी, अब आपके पास एक पानी बच गया जो लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी का पानी है। अब इसके अंदर आपने बड़े पत्ते वाले जो कहवा है ना वो एक चाय का चम्मच आपने डालना है। ठीक है, गर्म पानी में कभी भी कहवा या ग्रीन टी को बॉयल नहीं करना, वरना सारी उसके जो फ़ायदे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। हमेशा गर्म पानी में आपने टी बैग या इस तरह खुली पत्ती जो मिलती है वो डाला आपने। डालने के बाद जब उसका कलर आ जाए अच्छी तरह से, उसके बाद उसको छान लिया आपने। छानने के बाद आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। कितना भी हैवी आपने खाना खाया हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हैवी खाना, निहारी पाए और ये और वो, और आपको रात को बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं आप, और ये तमाम परेशानी को दूर कर देगा आपकी। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है रात को सोते वक्त, गैसेस चढ़ती हैं, तो उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ठीक करेगा ये, अंदरूनी निज़ाम को बेहतर करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। सुबह आप जब उठेंगे तो आप थके थके नहीं उठेंगे, आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि गले की खराबी, सीने की जकड़न, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ों को दूर कर देगा। फिर से बता दूं कि एक कप अपना पानी लिया आपने, इसमें दो से तीन इलायची डाली छोटी, इसके बाद दो से तीन आपने इसमें लौंग डाला, दो तीन टुकड़े दालचीनी के डाले, इसको बॉयल्ड किया अच्छी तरह से। जब ये इसका अर्क निकल गया, इसको छान लिया, छानने के बाद
जो बड़े पत्ते वाली ग्रीन टी होती है, इसको ईरानी टी भी कहते हैं, ग्रीन टी, उसको आपने एक चाय का चम्मच डाला, उसके बाद जब इसका अर्क निकल गया फिर छान लेंगे आप, ठीक है। और ना हो तो आप इसमें ना वो अपना क्या नाम है, ग्रीन टी का बैग भी डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रीन टी का जो बैग मिलता है मुख्तलिफ फ्लेवर के अंदर, वो आप डाल दें। लेकिन याद रखिएगा, ग्रीन टी को बॉयल नहीं करना, गर्म पानी में डाल के उसका अर्क जो है निकल जाए, उसके बाद आप उसको रात को सोने से पहले पी लेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।